मंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का, अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, नैऋत्य कोण में नैऋति की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करें। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश वाले कमल में क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूर्लोक, भुवरलोक तथा सोलवे में स्वरलोक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्टोम, अत्यग्रिष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आत्तोर्याम, व्यष्टि, मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करें। इन सब का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेव आदि नौ मूर्ति, दशविध, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, वायु और उपस्थ, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, पानी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका सांग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। तदनंतर बाह्य आवरण में पायु उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करें। उनमें से जो मासाधिपति हैं उनका चक्रवाज्य में क्रमशः पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तदनंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहां किस रंग के चूर्ण का उपयोग है ये सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए, समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रहें। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाएं। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम नीले रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हों। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योग पीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए। लता वल्लरियों और पत्तों से आदि से विधि की शोभा बढ़ावे। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावे और शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरें। उपशोभाओं को नीले रंग से विभूषित करें। कोणों के शंखों को श्वेत चित्रित करें। यह भद्र मंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करें। द्विकोण को लाल और पीले रंग से। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करें। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल रंग से रंगें। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावें और बाहर की रेखाओं को श्वेत, श्याम, अरुण, काले एवं पीले रंगों से रंगें। अगहनी चावल का पीसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम्भ आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1,00,000 जप करने से, अन्य मंत्रों का उसके अक्षरों के बराबर 1,00,000 बार जप करने से, विद्याओं को 1,00,000 जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्रोतों का 1,000 बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1,00,000 जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1,00,000 जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत हो जाता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्र आदि के होम की संख्या पूर्ण जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र के पुनश्चरण करना हो तो 1-1 मास का व्रत ले। पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखें, किसी से दान न लें। इस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूं।
जिससे मंत्र जप जनित फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है। ये केवल चिंतनमय है, जो चिंतन से भी रहित है, उसे पर कहा गया है। वाराह, नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप की ही प्राधानता है। वासुदेव का रूप चिंतन रहित अनचित्त कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। वैराज अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है, बीज मंत्र हृदय कवल में निवास करने वाला, अविनाशी, चिन्मय, ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदंब पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए, जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वो सनहरत भाव से अकेला ही स्थित रह जाता है। उसी प्रकार मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छेद होते हैं उतनी भी दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। इसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियां आत्मा को प्रकाशित करती हुई देव देह को अपना कर स्थित है। नाड़ियां हृदय से प्रस्थित हो नेत्रेंद्रियों तक चली गई हैं। उनमें से दो नाड़ियां अग्निशोत्मात्मक है, जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित है। मंत्र का साधक सम्यक उदात्त योग से शरीर व्यापी प्राणवायु को जीत कर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वो मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन्मात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अणिमा नामक सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघ कर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूप ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अपामार्जन विधान एवं कुशामार्जन विधान स्रोत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं अपनी तथा दूसरों की रक्षा का उपाय बताऊंगा। उसका नाम है मार्जन या अपामार्जन। ये वो रक्षा है जिसके द्वारा मानव दुख से छूट जाता है और सुख को प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानंदमय परमार्थ स्वरूप सर्वांतर्यामी महात्मा निराकार तथा सहस्त्रों आधारधारी व्यापक परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो समस्त कलमशों से रहित परम शुद्ध तथा नित्य ध्यान योग रथ है। उसे नमस्कार करके मैं प्रस्तुत रक्षा के विषय में कहूंगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो। महामुने, मैं भगवान वाराह, नरसिंह तथा वामन को भी नमस्कार करके रक्षा के विषय में जो कुछ कहूंगा, मेरा वो कथन सिद्ध सफल हो। मैं भगवान त्रिविक्रम त्रिलोकी को तीन पगों से नापने वाले विराट स्वरूप श्री राम वैकुंठ नारायण तथा नर को भी नमस्कार करके जो कहूंगा, वो मेरा वचन सत्य सिद्ध हो। भगवान वराह, नरसिंहेश्वर, वामनेश्वर, त्रिविक्रम, हयग्रीवेश, सर्वेश तथा ऋषिकेश, मेरा सारा अशुभ हर लीजिए। किसी से भी पराजित न होने वाले परमेश्वर अपने अखंडित प्रभावशाली चक्र आदि चारों आयुधों से समस्त दुष्टों का संहार कर डालिए। प्रभो, आप अमूक रोगी या प्रार्थी के संपूर्ण पापों को हर लीजिए और उसके लिए पूर्णतया कुशल क्षेम का संपादन कीजिए। दोष युक्त यज्ञ का पाप के फल स्वरूप जो मृत्यु, बंधन, रोग, पीड़ा या भय आदि प्राप्त होते हैं, उन सबको मिटा दीजिए। दूसरों के अनिष्ट चिंतन में संलग्न लोगों द्वारा जो आविचारिक कर्म का, विष मिश्रित अन्न पान का या महारोग का प्रयोग किया गया है, उन सबको जराजीर्ण कर डालिए, नष्ट कर दीजिए। भगवान वासुदेव को नमस्कार है, खड्गधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है, आदित्य चक्रधारी कमल नयन केशव को नमस्कार है, कमल पुष्प के केसरों की भांति पीत निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान पीताम्बर को प्रणाम है, जो महासमर में शत्रुओं के कंधों से धृष्ट होता है, ऐसे चक्र के चालक भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है, अपने दृष्टा पर उठाई हुई पृथ्वी को धारण करने वाले वेद विग्रह एवं शेष सर्यासाई महान यज्ञ वराह को नमस्कार है, दिव्य सिंह आपके केशांत प्रतप्त सुवर्ण के समान कांतिमान है, नेत्र प्रज्वलित पावक के समान तेजस्वी है तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण है, आपको नमस्कार है। अत्यंत लघुकाय तथा ऋगु, यजु और साम तीनों वेदों से विभूषित आप कश्यप कुमार वामन को नमस्कार है, फिर विराट रूप से पृथ्वी को लांघ जाने वाले आप त्रिविक्रम को नमस्कार है, वराह रूपधारी नारायण समस्त पापों के फल रूप से प्राप्त संपूर्ण दुष्ट रोगों को कुचल दीजिए, कुचल दीजिए। बड़े बड़े दाढ़ों वाले महावराह,
पाप जनित फल को मसल डालिए, नष्ट कर दीजिए। विक्टानंद नरसिंह, आपका दंत प्रांत अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। आरती नाशन, आक्रमणकारी दुष्टों को देखिए और अपनी दहाड़ से उन सब का नाश कीजिए, नाश कीजिए। वामन रूपधारी जनार्दन, ऋक् यजुः एवं सामवेद के गूढ़ तत्वों से भरी वाणी द्वारा इस आर्त जन के समस्त दुखों का शमन कीजिए। गोविंद, इसके त्रिदोष जज, सन्निपात तज, आगंतुक, एकाहिक, द्विकाहिक, त्राहिक तथा अत्यंत उग्र चातुर्थिक ज्वर को, एक सतत बने रहने वाले ज्वर को भी शीघ्र शांत कर दीजिए। इसकी वेदना को मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। इस दुखिया के नेत्र रोग, शिरो रोग, उदर रोग, श्वासावरोध, अतिश्वास, दमा, परिताप, कंपन, गुदरोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कामला आदि रोग, अत्यंत दारुण प्रमेय, भगंदर, अतिसार, मुखरोज, वलगुल्ली, अश्मरी पत्थरी, मृचकृच तथा अन्य महाभयंकर रोगों को भी दूर कीजिए। भगवान वासुदेव के संकीर्तन मात्र से जो भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुक तथा लूता, मकरी, विस्फोट, फोड़े आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर शांत हो जाएं। वे सभी भगवान विष्णु के नाम उच्चारण के प्रभाव से विलुप्त हो जाएं। वे समस्त रोग श्रीहरि के चक्र से प्रतिहित होकर क्षय को प्राप्त हों। अच्युत, अनंत एवं गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूप औषध से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर जंगम कृत्रिम दंत्रोदूत, नक्कोद्रूत, आकाशोद्रूत तथा लुतादि से उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुख प्रद विष हो, भगवान वासुदेव का संकीर्तन, उनका प्रशमन करें। बाल रूपधारी श्रीहरि श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन, ग्रह, पेत ग्रह, डाकिनी ग्रह, वेताल, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी, पुतना आदि ग्रह, विनायक ग्रह, मुखमंडिका, कुरूर रेवती, वृद्ध रेवती, वृद्धि का नाम से प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मातृ ग्रह, इन सभी बाल ग्रहों का नाश करें। भगवान, आप नरसिंह के दृष्टपात से जो भी वृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हो, वे दग्ध हो जाएं। जिनका मुख सटा समूह से विकराल प्रतीत होता है, वे लोक हितैषी महाबलवान भगवान नरसिंह समस्त बाल ग्रहों को निशेष कर दें। महासिंह, नरसिंह, ज्वालामालाओं से आपका मुखमंडल उज्ज्वल हो रहा है। अग्निलोचन, सर्वेश्वर, समस्त ग्रहों का भक्षण कीजिए, भक्षण कीजिए, भक्षण कीजिए। वासुदेव, आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्ति के जो भी रोग, महान उत्पात, विष, महाग्रह, क्रूर भूत, दारुण ग्रह पीड़ा तथा ज्वाला, गर्दभक आदि शस्त्र शत जनित दोष हो, उन सब का कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देव श्रेष्ठ चित्त, ज्वालामालाओं से अत्यंत भीक्षण सुदर्शन चक्र को प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगों का शमन कीजिए। महाभयंकर सुदर्शन, तुम प्रचंड ज्वालाओं से सुशोभित और महान शब्द करने वाले हो, अतः संपूर्ण दुष्ट राक्षसों का संहार करो, वे तुम्हारे प्रभाव से क्षय को प्राप्त हों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वात्मा नरसिंह अपनी गर्जना से रक्षा करें। स्वर्गलोक में, भूलोक में, अंतरिक्ष में तथा आगे पीछे अनेक रूपधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों सहित ये संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से इसके दुष्ट रोग शांत हो। श्री विष्णु के स्मरण मात्र से पाप समूह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इसके समस्त दूषित रोग शांत हो जाएं। यज्ञेश्वर विष्णु देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरा कथन सत्य हो, शांति हो, मंगल हो, इसका दुष्ट रोग शांत हो। मैंने भगवान वासुदेव के शरीर से प्रादुर्भूत कुशों से इसके रोगों को नष्ट किया है। नर नारायण और गोविंद, इसका आपामार्जन करें। श्री हरि के वचन से इसके संपूर्ण दुखों का शमन हो जाए। समस्त रोग आदि के निवारण के लिए अपमार्जन स्रोत प्रशस्त हैं। मैं श्री हरि हूं, कुशा विष्णु है, मैंने तुम्हारे रोगों का नाश कर दिया है। निर्वाण आदि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय संस्कारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, बुद्धिमान पुरुष निर्वाण आदि दीक्षाओं में 48 संस्कार करावें। उन संस्कारों का वर्णन सुनिए, जिससे मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम योनि में गर्भाधान, तदनंतर पुंसवन संस्कार करें, फिर सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, चार ब्रह्मचर्य व्रत, वैष्णवी, पार्थी, भौतिकी और श्रोतिकी, गोदान, समावर्तन, सात पाक यज्ञ, अष्टका, अनवष्टका,
पार्षण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रायणी, चैत्री एवं आयुष्य जी। सात हरवीयज्ञ, आधान, अग्निहोत्रदर्श, पार्णमास, चातुर्मास, पशुबंध तथा सौत्रामणि, सात सोम संस्थाएं, यज्ञश्रेष्ठ, अग्निष्ठ होम, अत्यगिष्ठ होम, उकत्थ, षोडशी, बाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम, सहश्रेष यज्ञ, हिरण्याग्री, हिरण्याक्ष, हिरण्यमित्र, हिरण्यपाणी, हेमाक्ष, हेमांग, हेमसूत्र, हिरण्यास्य, हिरण्यांग, हेमजिह, हिरण्यमान और सब यज्ञों का स्वामी अश्वमेघ यज्ञ तथा आठ गुण, सर्वभूत दया, क्षमा, आर्जर्व, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता और अस्पृहा, ये संस्कार करें। इष्ट देव के मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। सौर, शाक, वैष्णव तथा शैव सभी दिशाओं में ये समान माने गए हैं। इस संस्कारों से संस्कृत होकर मनुष्य भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। वो संपूर्ण रोगादि से मुक्त होकर देववत हो जाता है। मनुष्य अपने इष्ट देवता के जप, होम, पूजन तथा ध्यान से इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है।